पूर्व मंत्री भगवत शरण ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी स्वीकारा। बरेली आठ बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने पहली बार स्वीकारा कि ईवीएम में मतदान के दौरान गड़बड़ी हुई है। एक प्रेस वार्ता में प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता भगवत शरण गंगवार ने कहा कि विपक्ष वर्षों से ईवीएम में गड़बड़ी की चुनाव आयोग से शिकायत करता चला आ रहा है, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग मानने की तैयार नहीं है। और सांसद ने माना कि बूथ 290 विष्णु बाल सदन बीजेपी की गढ़ है, तो उस बूथ पर सपा कैसे जीत गई। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी जीत रही हो तो वैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, कैलिफोर्निया, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका में प्रतिबंध लग चुका है। भारत में भी ईवीएम पर प्रतिबंध लगाना चाहेंगे। हिंदुस्तान की कैबिनेट में मंत्री श्री संतोष गंगवार का स्टेटमेंट पढ़ा और उन्होंने ईवीएम या अन्य किसी गड़बड़ी की शंका इलेक्शन में जाहिर की। हम लोग जब कहते हैं तो ना तो चुनाव आयोग सुनता है और ना प्रशासन, और सरकार के तो कान पर जू नहीं रहती। और तरह तरीके की अगर ईवीएम में कमी नहीं निकली तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से विपक्ष के मुंह बंद हो गए। हालांकि हमारे पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी जो बदायूं से हारे, उनने कहा एक ही विधानसभा में पड़े वोट और निकले वोटों में 15,000 की कमी थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे ही हमारे पास भी कुछ आंकड़े, हमारे नवाबगंज में 17 बूथों का वो किया है, अभी तो बहुत सारी विधानसभाएं देखनी बाकी हैं। नवाबगंज में 17 बूथों पे पड़े वोट और निकले वोटों में 100-150 वोटों का अंतर है। जैसे 12 के चुनाव को अगर देखें विधानसभा के, तो केवल 18 वोट से जीत हार हुई थी, और जब इतने बड़े मार्जिन से पड़े वोटों के मुकाबले में निकले वोट कम या ज़्यादा हैं तो कैसे जीत और हार का आंकलन लगाया जा सकता है। तो ये समाज में एक ईवीएम के बारे में भ्रम की स्थिति है। मेरा भी मानना है बहुत सारे बूथ, जैसे संतोष गंगवार ने एक 290 कालीवाड़ी में एक बूथ का जिक्र किया है पेपर में, कि उसमें 583 वोट सपा को मिले जबकि वो बूथ, और 5 वोट भाजपा को मिले जबकि वो बूथ भाजपा का माना जाता है, गढ़ माना जाता है। ऐसे ही मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे बूथ, चाहे शहर की बात में नवाबगंज, भोजीपुरा या मीरगंज या शहर के दोनों विधानसभाओं में, ऐसे बहुत सारे बूथ हैं जहां भाजपा का एक वोट नहीं निकलता था और वहां भाजपा जीती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पूरा सर्वेक्षण करें तो बहुत सारे देश मेरी जानकारी में हैं जिनने ईवीएम में पारदर्शिता ना होने के कारण, ईवीएम में सब कुछ हो सकता है इस कारण, उन्हें ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से ही इलेक्शन कराने शुरू कर दिए। चाहे अमेरिका की बात ले लें, इंग्लैंड की बात ले लें, नीदरलैंड की, जर्मनी की, इटली की, फ्रांस की, ये सारे देश ऐसे ही हैं। जापान ने खुद बनाई अपनी मशीनें, भी शायद जापान से ही बन के आई हैं। जापान ईवीएम से नहीं कराता है, और जिसने बनाई है, और हम ईवीएम से कराते हैं, तो ईवीएम में बेईमानी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में, मैं ये नहीं कहता कि पूरा हिंदुस्तान ईवीएम के विरोध में है, लेकिन अगर 20-30 करोड़ भी, यानी कुल 25% मतदाता हिंदुस्तान के ईवीएम पर शक जाहिर कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग और सरकार का की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें संतुष्ट करे। जब चुनाव आयोग वोट मतदाता बढ़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर सकता है, चुनाव बहुत ज़्यादा लोग मतदान में भाग लें इसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकता है, तो क्या बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने में जो खर्च आएगा वो चुनाव आयोग नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसी अनिश्चितता बनी हुई है, लोगों में भ्रम और अविश्वास पैदा है ईवीएम की वजह से। तो इस संबंध में अब तो मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया कि सरकार का मंत्री और भाजपा का सांसद खुद ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया में दोष लगा रहा है। पूरा नाम लेके जरा मिस्टर लगा रहा है क्या? मिस्टर संतोष गंगवार जो भारत सरकार के मंत्री हैं और बरेली लोकसभा के सांसद हैं, वो आरोप लगा रहे हैं
तो फिर हम लोगों का तो कहना एक स्वाभाविक है, और हम आपके माध्यम से चाहते हैं ये बात हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो मूल कहना चाहिए वो है चुनाव, उस चुनाव की बात पूरे हिंदुस्तान में और चुनाव आयोग और सरकार के कान तक पहुंचे, इसलिए हमने आपको पूछा। आगे क्या इसमें कहीं आप कंप्लेंट करेंगे, कोई शिकायत या कहीं कोई ऐसा है? कंप्लेंट एक अलग विषय है, कंप्लेंट ये नवाबगंज के 17 बूथ हैं जिनमें 125 वोट से लेके एक वोट से लेके और 125 वोट तक पड़े वोट और निकले वोटों में अंतर है, कहीं कम निकले हैं तो कहीं ज़्यादा निकले हैं, दोनों बातें हैं, कम कम निकले हैं, ज़्यादा निकले हैं। तो इसकी कंप्लेंट के बारे में संतोष गंगवार की कंप्लेंट हुई उसमें देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये साफ है कि जब सत्ता पक्ष के मंत्री कहे यानी सरकार कहे कि ईवीएम में घपलेबाजी है, बूथ पर कोई ना कोई अनियमितता बरती गई है, तो फिर शासन का चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है ये बात ना मानने की, और उन्हें ये बात माननी चाहिए और ईवीएम को हटाना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है जब मंत्री ने कहना चाहिए, श्री संतोष गंगवार ने आरोप लगाया है, तो फिर ना इस सरकार का कोई मतलब है ना संसद का कोई मतलब है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। कैबिनेट सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह आमला, चेयरमैन संजीव सक्सेना, अकबर अली समाज सेवी की तरफ से सभी ग्रामवासियों, नगरवासियों व क्षेत्रवासियों को ईद उल रजा दिली मुबारकबाद व स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यालय नगर पालिका परिषद आमला बरेली, नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर आमला को स्वच्छ रखने में सहयोग करें, खुले में शौच को ना जाएं, व्यक्तिगत सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करें, परिषद द्वारा लगवाए गए नीले डस्टबिन में सूखा व हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा डालें, घरों का एकत्रित किया गया कूड़ा हरे व नीले डस्टबिन में एकत्रित कर कर्मचारी के मांगने पर दें, पॉलिथीन प्रतिबंध है इसका प्रयोग ना करें, व्यक्तिगत शौचालय का अनुदान प्राप्त कर चुके लाभार्थी तत्काल शौचालय को पूर्ण कर फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करें, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही एवं दंड से बचें, सफाई कर्मी के सफाई कार्य करने के उपरांत सड़क पर कूड़ा ना डालें, जुर्माने से बचें, घरों दुकानों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हरा व नीला डस्टबिन में कूड़ा एकत्रित करें तथा सफाई कर्मी के आने पर कूड़ा उसे देकर सड़क पर कूड़ा ना डालें, पालिका के समस्त करों का समय से भुगतान करें, अपने घरों के आसपास अधिक से अधिक फलदार व छायादार वृक्ष लगाएं। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप नगर को स्वच्छ रखने में अपना पूर्ण सहयोग योगदान प्रदान करेंगे। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।